टॉपिक किया था पेओल के प्रिंसिपल्स, ठीक है। आज हम लोग टेलर के प्रिंसिपल्स करेंगे। ओके, विल बी डिस्कसिंग प्रिंसिपल ऑफ टेलर। पिछली क्लास में हम लोगों ने पेओल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो मैं उसी स्लाइड पे चलता हूँ, ठीक है। और वहीं पे आपको फाइल ओपन कर रहा हूँ, आप देखेंगे हम लोग ये वाली फाइल सब कर चुके हैं ऑलरेडी, वी हैव डिस्कस्ड। आज हम टेलर का प्रिंसिपल पढ़ेंगे। टेलर ने जो है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए थे, ये सब मैं कर चुका हूँ इसलिए ये सारी फाइल हटा रहा हूँ। हेनरी के जो 14 प्रिंसिपल्स थे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टार्ट होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की। आई होप क्लियर दिख रहा है आपको। तो सबसे पहले अगर आप देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये जनरल गाइडलाइन होती हैं और ये गाइड करती है इंडिविजुअल्स को जब वो लोग जॉब करते हैं। कोई भी मैनेजर जब जॉब करता है तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उसको गाइड करते हैं कि आप ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, लेकिन उसको ना एनफोर्स नहीं करते कि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। सो आज हम लोग जो प्रिंसिपल्स करेंगे ये साइंटिफिक प्रिंसिपल करेंगे। ये जो प्रिंसिपल्स दिए हैं आप देखेंगे ये टेलर ने दिए थे। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है FW टेलर, इन्होंने दिए थे और इन्होंने भी अपने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए और कुछ टेक्निक्स बनाए। और दोनों में फर्क ये है कि पेओल के जो प्रिंसिपल हैं आप देखेंगे टॉप लेवल पे अप्लाई किया जाता है, ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पे किया जाता है। और ये जो प्रिंसिपल्स दिए ना टेलर ने, इनके जो प्रिंसिपल्स हैं ये आप देखेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर हैं, यानी कि वर्कर्स के ऊपर ज्यादा अप्लाई किए जाते हैं और ये यूनिवर्सल भी नहीं है। जितना जितना उनको यूज किया जाता है उसके कंपेरिजन में इसको बहुत कम यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनका दिया हुआ पहला प्रिंसिपल। इन्होंने बोला था साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। देखिए टेलर ने ना एक प्रिंसिपल बनाया जिसमें उन्होंने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं या कोई भी पर्सन जो काम करने के लिए आता है उसको दूसरों को फॉलो नहीं करना चाहिए। मतलब जनरली क्या होता है, जैसे आप किसी कंपनी में जब मैनेजर बनोगे तो कई लोग क्या करते हैं, पुराना मैनेजर कैसे काम करता था उसी को हम लोग फॉलो करने लग जाते हैं और पहले के बनाए हुए जो तरीके हैं ना उसी तरीके को हम यूज करते हैं। तो टेलर ने मना किया, टेलर ने बोला नहीं, ये रूल ऑफ थंब मत अप्लाओ, मत अप्लाई करो। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है कि अंगूठा छाप। अंगूठा छाप किसको बोलते हैं, जिसको पढ़ने नहीं आता। आप देखेंगे कई जगह इंडस्ट्री के अंदर जो लेबर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा अनपढ़ होते हैं, तो उनको जो तनख्वाह दी जाती है ना, उनको सैलरी की जगह वेजेस ज्यादातर दिया जाता है। तो उनको जो वेजेस दिया जाता है वो उनसे ना अंगूठा मरवाया जाता है। तो एक क्लर्क होता है जो उनकी तनख्वाह लिख के वहां पे, मतलब वेजेस रोज का, और उनसे थप्पा लगवा लेता है अंगूठे का। ये अब उसको लगाने से ये हो गया कि आपको इतना रुपया मिल गया, जब उसको पढ़ने ही नहीं आ रहा है तो हाउ कैन ही नो कि कितना रुपया मिला उसको। तो उसको दूसरों की बातों पे चलना पड़ता है। वो कहेगा आज आपको हम 300 रुपए दे रहे हैं, यहाँ पे अंगूठा लगा दीजिए, तो उसको मानना पड़ेगा, वो 300 के उस पर अंगूठा लगा देगा। क्या पता वहां पे 400 लिखा, तो 100 रुपया इंडस्ट्री की जेब में चला गया। तो यहाँ पे रूल ऑफ थंब में इसी बात को लेके इन्होंने बोला, इन्होंने बोला टेलर ने कि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो ना तो आप अपनी बुद्धि लगाइए, ऐसा मत कीजिए कि पहले वाले जिसने जैसे समझा रखा है आप उसी को फॉलो करने लगे। अगर आपको लगता है कि कोई नया तरीका हो सकता है काम को करने का तो आप उस नए मेथड को इस्तेमाल कीजिए, और पहले के बनाए हुए जो मेथड्स हैं उनको जरूरी नहीं है कि आप फॉलो करें। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैंने ये दो रखे हुए हैं स्लाइड्स में। ये देखो, ये ट्रेडिशनल मेथड है थ्रेडिंग अ नीडल। जब आप सुई में धागा डालते हो तो मोस्ट ऑफ अस ये वाला तरीका हम लोग यूज करते हैं, देखिए है ना। इसमें हो सकता है हिट एंड एरर मेथड है, एक बार में अप्लाई हो जाए, हो सकता है 4-5 बार में भी ना जाए। तो कई बार आपके पेरेंट्स दे देते हैं बच्चों को, लो तुम्हारी यहाँ ठीक है तुम डालो, 1-2 बार में तो आपने यूज किया होगा छोटे पे, जरूरी है, अभी भी कराते होंगे पेरेंट्स अगर सिलाई करने के लिए बैठे हैं, ठीक है, मदर खास करके। अब ये वाला है साइंटिफिक मेथड। ये देखो, ये मेथड एक थोड़ा सा नया मेथड है बेटा, ये वाला आप देखेंगे। ये एक हाँ सेकेंड, हाँ मैं एक बार फिर से स्लाइड पे आना पड़ेगा मुझे। हाँ यहाँ देखिए, पूरा स्लाइड ही गायब हो गई। ये रहा, ये इसको देखो जरा ध्यान से, तो ये साइंटिफिक मेथड को, 1 सेकेंड आ रहा है। हाँ अब देखो इसको, ये साइंटिफिक मेथड ऑफ थ्रेडिंग एंड नीडल है ये वाला। ये ज्यादा बेटर मेथड है, इसमें आप प्रेस करोगे तो धागा इसमें स्टिक हो जाएगा और खींच देगा बाहर,
और वन एक ही बार में ये अप्लाई हो जाएगा। तो फिर टेलर ने यही बोला, टेलर ने बोला कि आप कोई भी वो वाला मेथड यूज करो जो सबके लिए एप्लीकेबल हो और आसान हो। मतलब आप कोई ऐसा मेथड यूज मत कीजिए जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो और दूसरे की देखम देख मत कीजिए, ठीक है। तो साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब एक ऐसा प्रिंसिपल था जो टेलर ने दिया, और उनका कहना ये था कि ट्रेडिशनल मेथड की जगह हमें कोई साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए, और दूसरे की एक्सपीरियंसेस को जरूरी नहीं है कि हम फॉलो करते रहे, हमें अपना दिमाग भी लगाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रूल ऑफ थंब मीन्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स और मेथड्स डिसाइडेड बाय द मैनेजर्स बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंस। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है पहले जैसा चला आ रहा है उसको फॉलो करो। तो हम टेलर ने इस चीज के लिए मना किया, उन्होंने बोला आपको साइंटिफिक मेथड यूज करना चाहिए, कोई भी आप काम करते हो तो जरूरी नहीं है कि आप वही पुराने वाले मेथड को यूज करो, आपको मतलब वो मेथड यूज करना चाहिए जो ज्यादा साइंटिफिक हो और ज्यादा सक्सेसफुल हो, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट? आई एम वेटिंग। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चलते हैं। इसमें एक चीज इन्होंने और भी बोला, मैं बता देता हूँ एक बार। द रूल ऑफ थंब कैन बी सीन एज अ डिक्टेटरशिप ऑफ द मैनेजर। जो रूल ऑफ थंब है ना, इसको हम डिक्टेटरशिप मानते हैं। आप जनरली देख लीजिए, जो पहले मैनेजर ने बोल दिया वही करते रहो, तो इसी को तो डिक्टेटरशिप कहते हैं कि दूसरे के कहे के हिसाब से चलो। तो विच शुड बी अवॉइडेड, टेलर ने ये बोला था कि ये सब चीजें आपको नहीं करना चाहिए। टेलर ने दूसरी लाइन में देखो क्या लिखा है कि टेलर सजेस्टेड थिंकिंग बिफोर डूइंग। टेलर ने बोला कि हमें ना कोई भी काम को करने से पहले सोचना चाहिए, ओके। और ये ज्यादा बेटर तरीका होता है, अगर आप कोई काम को करने से पहले सोचोगे तो दैट विल बी मच 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 बेटर। तो आपको कोई काम करने से पहले ना आपको स्पेसिफिकली सोचना चाहिए इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग डूइंग। और ट्रायल एंड एरर मेथड को अवॉइड करने की बात करें तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रायल एंड एरर मेथड को अवॉइड करने की बात कौन से प्रिंसिपल में कही गई है। तो करेक्ट आंसर होगा साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। तो ये वाला, इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड को मना किया था, साइंटिफिक स्टडी मस्ट बी डन। इसके अंदर साइंटिफिक स्टडी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए आपके द्वारा और बिफोर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। तो कोई भी प्रॉब्लम से पहले आपको ये चीज करना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाला प्रिंसिपल जो साइंटिफिक प्रिंसिपल का दूसरा प्रिंसिपल है वो है हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। देखो ये प्रिंसिपल काफी मिलता जुलता है कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म से, तो ये इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, पहली बात तो ये कि टेलर ने दी है, इसको याद रखिए। और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि देर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। इन्होंने सीधा सीधा बोला कि कंप्लीट हार्मनी होनी चाहिए वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, यानी इन्होंने एकदम स्पेसिफिकली ये बोल दिया कि मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों के बीच में ना बहुत अच्छे से हार्मनी होनी चाहिए, एकजुट मिल के रहना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आप अगर आप यहाँ पे देखोगे कंप्लीट हार्मनी का मतलब क्या है, यहाँ देखिए कंप्लीट हार्मनी का मतलब है कि मैनेजमेंट को ना अपना जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा वर्कर्स को दे देना चाहिए, उसको बोलते हैं हार्मनी, यानी कि एक साथ मिलजुल के रहना। दिस कैन बी अचीव थ्रू अ चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। और इन्होंने एक सजेशन भी दिया, इन्होंने बोला इसको अचीव करना है तो आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा, यानी कि वर्कर्स को अपना मैनेजमेंट के प्रति और मैनेजमेंट को वर्कर्स के प्रति अपना एटीट्यूड को चेंज करना होगा। कैसे? इसमें देखो साफ साफ बोला है कि मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स विद द वर्कर्स। मैनेजमेंट को ना वर्कर्स के साथ अपने हिस्से को गेन करना चाहिए, मतलब जो भी हिस्सा गेन हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको शेयर करना चाहिए। तो वर्कर्स के साथ आपको जो जिन्होंने बहुत मेहनत से काम किया है उनके साथ आपको मिलजुल के बांट के और लेना चाहिए हिस्सा। और ऐसा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन करती है तो हम बोलते हैं हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। जैसे इसको कैसे समझे, जैसे मान लीजिए कई बार आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लेती है तो वो क्या करती है, बोनस अनाउंस कर देती है, बोलती है कि इस बार हमने काफी प्रॉफिट कमाया और जो पिछली साल से ज्यादा इस बार हमने प्रॉफिट कमाया है उसका 10% हम एम्प्लॉयज के बीच में बांट देते। तो इसको बोलेंगे हार्मनी नॉट डिस्कार्ड को फॉलो किया है कंपनी ने, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं करती है, कंपनी कहती है नहीं हम तो इनको सैलरी दे ही रहे हैं और प्रॉफिट हुआ है तो हमारी मेहनत से हुआ है, तो अब हम बोलेंगे कि ये हार्मनी नॉट डिस्कार्ड मतलब फॉलो नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गया क्लास? यस सर। तो देखो हार्मनी नॉट डिस्कार्ड के अंदर ना एक खास बात है, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, शेयर द गेन्स विद द वर्कर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको चाहो तो आप नोटबुक में जरूर अंडरलाइन कीजिएगा, शेयर द गेन्स विद द वर्कर्स। और यहाँ पे मेंटल रिवोल्यूशन की बात कही है, ये वाली लाइन भी नोट कर लीजिएगा
इसको मेंटल रिवोल्यूशन का नाम दिया था टेलर ने। क्यों दिया था? क्योंकि दोनों के सोच में ना फर्क डालने की बात कही गई है, मतलब दोनों को अपने एक दूसरे की सोच पे ना बदलाव आ जाना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा वर्कर्स ये सोचते हैं मैनेजमेंट तो खाली ऐसे बैठा रहता है, कुछ काम नहीं करता चेयर पे, और हम लोग दिन रात धूप में हालत हमारी खराब होती है। तो इस एटीट्यूड को चेंज करना होगा एम्प्लॉयज को भी, और एंड एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज के जो मैं उसको भी अपना वो चेंज करना होगा एटीट्यूड वर्कर्स के प्रति, क्योंकि उसको ये नहीं सोचना होगा कि यार प्रॉफिट कमाया तो हमने अपनी मेहनत से कमाया, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ हिस्सा एम्प्लॉयज को भी बांट देना चाहिए, ऐसा टेलर ने कहा था। यूज करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को तो अच्छा माना जाता है, ठीक है, अगर चूज करता है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रिंसिपल। देखो ये प्रिंसिपल भी काफी हद तक उसी की तरह मिलता जुलता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बोला है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसमें टेलर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कोऑपरेशन रहना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर ये तो दोनों एक जैसे ही है, थोड़ा सा का फर्क है बेटा यहाँ पे, देयर शुड बी अ कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोऑपरेशन होना चाहिए, जैसे कोऑपरेशन कैसे होता है कि एम्प्लॉय को अगर लग रहा है कि यहाँ पे कुछ होना चाहिए, और अगर अपना उसका खुद का व्यू है कि यार इससे नुकसान हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो ही शुड टेक दैट डिसीजन, उसको वो फैसला लेके और उसको सुलझा लेना चाहिए। और मैनेजमेंट को भी क्या करना चाहिए कि मैनेजमेंट को ना वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और उनको डिसीजन मेकिंग में पावर देना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग में उनको हिस्सेदार बनाना चाहिए। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कोई एम्प्लॉय को अपने डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदार बनाती है, जैसे कोई फैसला लेती है तो अपने एम्प्लॉयज को भी बुला के और उनके बीच में बात करके अगर वो फैसला ले, तो इसको हम बोलते हैं कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि उन्होंने फैसला लेते समय उनको भी अपने साथ रखा और उसके बाद वो फैसला लिया। माना जाता है कि अगर आप ऐसे करके फैसले लोगे, मान लो कल को आप किसी कंपनी के अंदर मैनेजमेंट के पोस्ट पे हो और आप बहुत सीनियर पद पे पोस्ट पे, तो आप ये तरीका अपना सकते हो। आप अपने कोई मतलब जैसे कई बार क्या होता है, यू हैव टू टेक सम बिग डिसीजन, ओके, सो व्हेन एवर यू गोइंग टू टेक दैट डिसीजन यू कैन काइंडली आस्क योर एम्प्लॉयज टू कम, ओके, द सीनियर वंस स्पेशली, एंड यू कैन टेक अ व्यू ऑफ दैट वर्क एंड यू कैन आस्क देम टू गिव सम सजेशंस, ओके, एंड दे विल बी गिविंग यू सम सजेशंस इफ यू थिंक दैट दोज सजेशंस आर वेरी गुड एंड इट विल बी मच मोर हेल्पफुल, देन यू शुड फॉलो दोज सजेशंस ऑल्सो, एंड यू शुड ऑल्सो रिवार्ड हिम फॉर दैट। आपको उसको मतलब शाबाशी भी देनी चाहिए, आप किसी भी वे में दे सकते हो, यू कैन ऑल्सो गिव मनी, ओके, आप उसको, और ये भी हो सकता है कि आप पब्लिकली उसको मतलब सबके सामने शाबाशी दे दो, वो भी बहुत अच्छा होता है एम्प्लॉयज के लिए। तो आपको ये करना चाहिए, इसको बोलते हैं कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। आप देखेंगे ये चीज, वर्कर शुड नॉट इंडल्ज इन अननेसेसरी स्ट्राइक्स एंड रेज अनरिजनेबल डिमांड। अच्छा, साथ में ये भी बोला टेलर ने कि एम्प्लॉयज को भी ना उल्टे सीधे काम नहीं करने चाहिए, यानी कई बार क्या होता है आपने देखा होगा एम्प्लॉयज हड़ताल कर देते हैं, खास करके आप देखोगे इंडिया में ये बहुत प्रचलन है कि स्ट्राइक कर देंगे एकदम तोड़ फोड़, अभी देख नहीं रहे किसान आंदोलन में रोड जाम कर देना, अभी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो ये लोग अपना ना मतलब अड़ियल रवैया अपनाते हैं जिससे कि परेशान होके और लोग झुके। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए, मतलब वर्कर्स को, जब फैक्ट्री की मैं अगर बात करूं तो जो वर्कर्स है ना उनको अननेसेसरी स्ट्राइक नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है जानबूझ के स्ट्राइक करते हैं परेशान करने के लिए मैनेजमेंट को और अपनी बात को मनवाने के लिए, तो उनको ना रीजनेबल डिमांड करनी चाहिए, यानी उनको देखना चाहिए कौन सी डिमांड जस्टिबल है, मतलब जस्टिफाइबल है, और ऐसी डिमांड करना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन की जो जो मैनेजमेंट है उसको पूरा कर सके। तो टेलर ने यही बोला, टेलर सजेस्टेड दैट देयर शुड बी इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजर। एक चीज और मैंने, टेलर ने ये बोला कि बराबर बराबर काम को बांट देना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो ना कि खाली वर्कर ही काम कर रहे हैं मैनेजमेंट कुछ कर ही नहीं रहा है। इसीलिए टेलर ने ये सजेस्ट किया कि मैनेजमेंट को भी आधा अपना वर्कलोड लेना चाहिए, जैसे सपोज करो कोई काम है तो आपको अपना भी काम ना अपने अपने आप करना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि अपना काम भी वर्कर्स के थ्रू आप इंडल्ज करके करवा रहे हो और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो। तो टेलर ने इस चीज के लिए मना किया, इसको फिर हम बोलेंगे कोऑपरेशन तो हो रहा है लेकिन इंडिविजुअलिज्म है, या देखो इंडिविजुअलिज्म कब होगा, जब जैसे आप फैसला ले रहे हो और एम्प्लॉयज का राय नहीं ले रहे हो, तो ये इंडिविजुअलिज्म आ जाएगा, मतलब आप कोऑपरेशन नहीं चाह रहे हो। तो ये सब चीजें, तो हमें तीन चीजों से आंसर इसका निकालना है, कैसे क्या क्या चीज से पता चलेगा कौन सा आंसर है। एक तो स्ट्राइक वाला पॉइंट याद रखिएगा, अगर एम्प्लॉय स्ट्राइक करते हैं और अननेसेसरी स्ट्राइक है अनरीजनेबल डिमांड के लिए, तो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म आ जाएगा करेक्ट आंसर। और इसी तरह से अगर मैनेजमेंट अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है,
जैसे वो डिसीजन जो लेना है टाइम पे डिसीजन नहीं ले रहा है, किसी की मदद नहीं ले रहा है, एम्प्लॉय से सजेशन नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब मैनेजमेंट की तरफ से कोऑपरेशन नहीं है। तो क्वेश्चन दोनों फॉर्म में बन सकता है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि बोल देगा क्वेश्चन में कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अंदर एक मतलब जो मैनेजमेंट है वो किसी से राय नहीं लेता, अपने फैसले खुद बनाता है, जैसे मन करता है ऐसे करता है, कोई राय देता है तो उसकी बात मानता भी नहीं। तो बताइए कौन से प्रिंसिपल को वायलेट किया है। तो आंसर होगा कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। और ये स्ट्राइक के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दी, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया, जबकि मैनेजमेंट को प्रॉफिट नहीं हो रहा था, वो अननेसेसरी प्रॉफिट की डिमांड कर रहे थे। तो आपको बताना है, बताइए कौन सा प्रिंसिपल है टेलर का। तो आपको याद रखना है कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। और रही बात हार्मनी नॉट डिस्कार्ड की, तो वो थोड़ा सा आसान है। मतलब उसमें क्या करना है आपको, ये गेन वाला कंसेप्ट याद है कि अगर मैनेजमेंट प्रॉफिट को बांट नहीं रहा है एम्प्लॉयज के बीच में, दैट मींस हार्मनी नहीं है, डिस्कार्ड हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही चीज है जो हमें ध्यान रखना। आई होप यहाँ तक आ गया होगा। आगे बढ़ूँ अगर आप परमिशन दो तो? हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए फोर्थ प्रिंसिपल आता है। इसमें बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। देखो इसमें क्या किया, इसमें टेलर ने बोला है साफ सा कि आपको ना मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी देना होगा एम्प्लॉयज को। और ये कैसे दोगे आप, प्रॉपर तरीके से उनका सिलेक्शन करके, प्रॉपर तरीके से उनको ट्रेनिंग देके, उनका डेवलपमेंट करा के। अगर किसी एम्प्लॉय का अच्छे से सिलेक्शन करते हो और उसको ढंग से ट्रेनिंग देते हो और डेवलप कराते हो किसी वर्कर को, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाने लगा। तो यही चीज टेलर ने बोला। टेलर ने बोला कि एफिशिएंसी ऑफ ऑल वर्कर्स इज अ मस्ट। इन्होंने कहा कि जितने भी वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी बहुत जरूरी है होनी, और विच दे हैव टू बी प्रोवाइडेड विद मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। और आपको ना हर हालत में उनको कहीं से भी, चाहे पैसे खर्च हो चाहे कुछ हो, आपको उनको किसी न किसी तरह से ट्रेनिंग अच्छे से देना पड़ेगा और डेवलपमेंट करना पड़ेगा। वर्कर्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, आप बहुत सारे प्रोग्राम्स कर सकते हो उनका डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे कैसे उठना है, कैसे बैठना है, पार्टी कैसे अटेंड करनी है, ये सारी चीजें आपको सिखाया सिखाना चाहिए। आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनियों में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ के एम्प्लॉयज को ना बहुत अच्छे से नए नए तरीके सिखाए जाते हैं। ठीक है, उनको मतलब आप देखेंगे कि बहुत तरीके होते हैं उनको डेवलप कराने के। आप जैसे किसी भी फील्ड में चले जाइए, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इवन इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, एनडीए में आप देख सकते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी जो होती है, एनडीए में जो सेलेक्ट होते हैं कैंडिडेट्स, आपने भी कई उन्हें अपियर किया होगा। इस बार एग्जाम हुआ था, पिछले संडे को एग्जाम हुआ है एनडीए का, किसी बच्चे ने किया है अपियर? क्लास मोस्टली 12th वाले बच्चे करते हैं, बट 11th वाले भी अपियरिंग में डाल के कर सकते हैं। ठीक है, तो कई बच्चे आपके फ्रेंड्स ने अप्लाई किया होगा फॉर्म में, तो उन्होंने दिया होगा। उसमें क्या होता है, जब आप सिलेक्शन हो जाता है आपका और ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, तो डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, आपको डांस कराना सिखाया जाता है, और आपको मतलब अलग अलग माहौल में कैसे आपको एक ऑफिसर लाइफ क्वालिटी जीनी है, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। इसी तरह से आप मल्टीनेशनल कंपनी में जाएंगे तो आपको डेवलपमेंट किया जाता है एम्प्लॉयज का, कैसे बोलना है, इनफैक्ट उनको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराए जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में भेजा जाता है, जिससे कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है आपको कोई नई चीज सिखाई जाती है जो जरूरी नहीं है ये ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम करने के दौरान जरूरत है। इसको बोलते हैं डेवलपमेंट, और ट्रेनिंग को बोलते हैं कि जिस काम को आप कर रहे हो उसी के रिगार्डिंग आपको सिखाया जाता है। तो दोनों में फर्क है। तो टेलर ने यही बोला कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम एम्प्लॉयज को डेवलपमेंट कराएंगे तो दैट विल बी मच मच बेटर, एंड इट विल इंक्रीज हिज एफिशिएंसी फॉर डूइंग द जॉब। तो वो और अच्छा करेगा परफॉर्म अपने लाइफ। ठीक है, अच्छा इन्होंने ये भी बोला कि ये वाली लाइन याद रखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, इफ द वर्कर्स पुट इन देयर बेस्ट एफर्ट्स इट एंश्योर्स मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। अगर किसी वर्कर को आप ऐसे करते हो तो उससे प्रॉस्पेरिटी आती है और बहुत अच्छा कमा भी लेता है, उसकी लाइफ अच्छी हो जाती है, नॉट ओनली वर्कर्स बट ऑल्सो टू द ऑर्गेनाइजेशन। और इससे ना ऑर्गेनाइजेशन की भी अच्छी कमाई हो जाती है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज अच्छा काम करेंगे तो 100% टॉप आप भी अच्छा करोगे। तो यही चीज इन्होंने दिया था फेयोल ने। ये आप देखेंगे यहाँ पे ये सारे प्रिंसिपल्स जो है फेयोल ने दिए थे। तो ये चार प्रिंसिपल है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। कौन सा प्रिंसिपल है, ये डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक क्लास। यस सर। तो यस सर।
ठीक है, तो बेटा ये चार प्रिंसिपल में किसी को कुछ पूछना है तो मुझे तुरंत बताइए, किसी बच्चे को, एनीबडी, किसी बच्चे को कुछ पूछना है इन चार में से? सर सेकंड और थर्ड प्रिंसिपल में मेन डिफरेंस क्या है? ठीक है, बता रहा हूँ। देखिए सेकंड वाला प्रिंसिपल है बेटा हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। इसमें ना बस एक चीज का ध्यान रखना, इसमें ना मेंटल रिवोल्यूशन की बात कही है, सोच की बात। इसमें फेल टेलर ने ये कहा है कि यहाँ पे ना एम्प्लॉई और जो मैनेजमेंट है उन दोनों की जो सोच है ना वो सोच के बदलने की बात करी है। मतलब उनको ऐसा सोचना चाहिए, जैसे एम्प्लॉई को ऐसा सोचना चाहिए कि यार हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा कमाएगी, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा कमाएगी तो हम लोगों को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बोनस आपको पता ही है हर कंपनी बोनस देती है, तो हमारी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा लेगी तो हमें दीपावली में या होली में या जो भी त्यौहार आता है उसमें कंपनी ज्यादा बोनस अनाउंस करेगी, तो उन्हें पूरा मन से काम कर। और इसी तरह से मैनेजमेंट को भी सोचना चाहिए कि यार अगर हम बोनस देंगे अच्छे से और एम्प्लॉई को अपने हिस्से का साझेदार बना देंगे यानी कि पार्टनर बना देंगे, तो जो एम्प्लॉयज हैं हमारे उनको फील आएगा कि वो कंपनी के एक पार्ट हैं और वो और मन से काम करेंगे। तो यहाँ पे टेलर ने यही चीज बोली है कि मेंटल रिवोल्यूशन की बात करी, उसने कहा है कि दोनों की जो सोच है ना वो सोच एक दूसरे के प्रति बदल जानी चाहिए और दोनों के बीच में हार्मनी आ जाना चाहिए। अच्छा, ये हार्मनी आएगी कैसे, ये भी सजेस्ट किया उसने, बोला कि जब भी मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, अपना हिस्सा बांट देना चाहिए, और वर्कर्स को क्या करना चाहिए कि बहुत मेहनत करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा गोल को अचीव करने के लिए कमाने। ये बात समझ में आ गई? यस सर। और कोऑपरेशन और नॉट इंडिविजुअलिज्म में थोड़ा सा अलग है, इसके अंदर ना कंप्लीट कोऑपरेशन की बात करी है मैनेजमेंट और वर्कर दोनों की तरफ से, लेकिन इसमें मेंटल रिवोल्यूशन की बात नहीं करी इसने। इसमें इसने बोला टेलर ने कि मैनेजमेंट को वर्कर्स को ना कॉन्फिडेंस में लेके रखना चाहिए, और जब भी कोई फैसले लेते हैं तो वर्करों से बात करके विचार करके ही फैसले लेने चाहिए। और दूसरी चीज ये बोला है कि वर्कर्स को ना अननेसेसरी स्ट्राइक नहीं करना चाहिए और अनरीजनेबल डिमांड नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसी कोई डिमांड मत करो जो ऑर्गेनाइजेशन पूरा ही ना कर पाए। तो दोनों की तरफ से कोऑपरेशन की बात करी। एम आई क्लियर? Yes, sir. तो जब भी आपको एग्जाम में ना प्रॉफिट को बांटने की बात आए, गेन को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आए, तो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म होगा या हार्मनी नॉट डिस्कार्ड होगा, बताइए। गेन की बात किसमें करी है? हार्मनी नॉट डिस्कार्ड के अंदर, हार्मनी में। हाँ ना, तो बस इतना याद रखो कि गेन को बांटने की बात हार्मनी नॉट डिस्कार्ड में करी है, और स्ट्राइक वाली बात जो है ना ये कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म करिए। ठीक है, अच्छा डिसीजन लेते समय किसमें पूछना होता है? कोऑपरेशन के अंदर, मतलब कोई मैनेजमेंट डिसीजन लेगा तो वर्कर्स से कॉन्फिडेंस में रखना चाहिए। मेंटल रिवोल्यूशन किसमें बात कर ली गई है? मेंटल रिवोल्यूशन हार्मनी नॉट डिस्कार्ड में। बस तो ये पॉइंट ना अपने नोटबुक में इसको हाईलाइट कर लेना, बस आसानी से आपको आ जाएगा। और मैं खुद उस पर ज्यादा एम्फोसिस दे रहा हूँ तो आपको कंफ्यूज कर सकती है, और मेरे ख्याल से ये तो सबसे आसान है, ये एकदम अलग है। इसमें दोनों चीजें हैं, इसमें बोला था टेलर ने कि एम्प्लॉयज को आपको डेवलपमेंट भी करना होगा और साथ साथ में उनको ट्रेनिंग भी अच्छी देनी होगी, सिलेक्शन अच्छा करना पड़ेगा, और उनको अच्छी खासी कमाई होनी चाहिए उनकी जिससे कि वो अच्छा करें, और ऐसा करने से ऑर्गेनाइजेशन को भी कमाई बढ़ेगी। ये बस इतना ही है, पहले तो हमें इतना करना है। तो आई होप यहाँ तक आपको आ गया होगा। अब हम नया टॉपिक करेंगे, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक। देखिए टेलर ने ना चार प्रिंसिपल्स दिए हैं और बाकी टेक्निक्स दिए हैं इन्होंने, तो अभी हम लोग टेक्निक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो टेलर के जो चार प्रिंसिपल हैं इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? क्लास? और फेयोल ने कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं बेटा, बता सकते हो? 14 प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो उनको ऐसे याद रखना है आप, जब एग्जाम में फेयोल के प्रिंसिपल पूछेगा तो यू विल हैव टू टॉक अबाउट फेयोल्स प्रिंसिपल, and when it asks about Taylor's principle you will have to keep in mind only 4 principles for that, and there are various techniques suggested by Taylor. Taylor ne technique suggest kiye, dekhiye pehli technique dekhiye zara, ye generally aap dekho techniques jo hai na isne jo techniques jo diye hain ye aap koi kaam karte ho to aapko ye technique istemal karne ke liye suggest kiya tha Taylor ne ki agar aap ye technique istemal karoge to zyada acha kar paoge, ab aap karo na karo it's up to you. ab dekho jaise pehli technique kya boli inhone, इसने बोला स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। टेलर ने बोला कि कभी भी आप काम करते हो
तो आपको काम को ना सिंपल बनाना चाहिए, ठीक है, और इस जो है एक स्टैंडर्ड सेट कर देना चाहिए काम को करने का। तो आप देखेंगे इसी तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों का काम का स्टैंडर्ड होता है, तो आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना होगा कि आपका काम की जो क्वालिटी है वो इस लेवल की रहेगी, और उस काम को ज्यादा से ज्यादा आसान बनाने की कोशिश करना चाहिए। व्हेन एवर यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन यू शुड ट्राई योर लेवल बेस्ट टू यू नो कीप योर स्टैंडर्ड, की मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ द वर्क। आपको ना वर्क का स्टैंडर्ड बनाए रखना होगा। अब कैसे, जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आईफोन देखते हो, आईफोन का एक स्टैंडर्ड है ना, आप देखोगे उसकी लाइफ बहुत अच्छी रहती है, अच्छे से चलता है, तो वो स्टैंडर्ड एक फॉलो करना होता है। तो टेलर ने भी यही बोला, उन्होंने ये बोला कि दूसरे स्टूडेंट्स को भी नहीं सुनाई दे रही है मेरी आवाज, सर। तो कई बार क्या होता है बेटा, आपके तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ से एकदम सही जा रहा है, मैं देख रहा हूँ, मैंने दूसरा भी ऑपरेट किया हुआ, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आ रही है स्लाइड में। कभी कभी बीच में हो सकता है आपकी तरफ से ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा हो, तो उसको करेक्ट करो। तो ये वाला पॉइंट मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है कि स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क जो है, इसका मतलब होता है कि टेलर ने बोला कि काम को आसान बनाइए और एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखिए, और अगर ऐसा आप करते हो तो बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। देखा होगा आपने, कई बार हम काम करते हैं तो काम को ना हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकते हैं और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो टेलर ने सजेस्ट किया था कि काम को आसान बनाओ, फालतू में ना उसमें मतलब हाई प्रोफाइल मत करो, उसको जितना सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल रखो। इनका मानना था कि ऐसा करने से काम जल्दी भी होगा और उसका स्टैंडर्ड भी मेंटेन किया जा सकेगा। एक और इन्होंने टेक्निक बताई जिसका नाम है मेथड स्टडी। टेलर ने ये बोला कि आप कोई भी काम करते हो तो उसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं उस काम को करने के, तो आप उसी मेथड का इस्तेमाल कीजिए जो मेथड आपके लिए बेस्ट हो, ठीक है। तो जब आप देखेंगे आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो कई काम के हर काम का कोई ना कोई मेथड होता है, आप उस मेथड को यूज कर सकते हो, तो आपको वो मेथड यूज करना चाहिए जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब बेस्ट मेथड। देर आर लॉट ऑफ मेथड्स फॉर यू नो डूइंग एनी वर्क, बट यू शुड अकॉर्डिंग टू टेलर ही सजेस्टेड दैट यू शुड use only those methods which are very much best. You should always apply the best method for the job. So आपको best method का काम use करना चाहिए काम करते समय। जैसे देखो मैं एक suggestion दे रहा हूँ, आप बताना कौन सा method आप use करेंगे। जैसे मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी company के receptionist हैं, ठीक है, और आप जब भी कोई employee को application वगैरह लिखना होता है छुट्टी लेने के लिए, या fever है या stomach pain है या कुछ भी, तो वो आपके थ्रू ना लेटर लिखवाता है, तो वो पहले आपको बता देगा, फिर आप उसके लिए टाइप करेंगे और टाइप करके उसको मेल करेंगे, वो अपनी काउंटर साइन करके उसको फॉरवर्ड कर देगा और फिर आपका जो बॉस है उस तक पहुंचा देगा। ये बात समझ में आ गई? तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, एक ऑप्शन दे रहा हूं मैं, क्या आप हर बार टाइप करके उसको भेजेंगे या पहले ही आप फॉर्मेट बना देंगे, क्योंकि आपको पता है लगभग लगभग वही लिखा जाता है, मेथड तो वही होता है, मतलब आप बार बार लिखोगे टू द जो मैनेजर होगा उसका नाम, और उसके बाद आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर या स्टमक पेन है और काइंडली अलाउ टू डेज लीव, या ऐसे करके आप लिखते हो, तो आप कौन सा मेथड अप्लाई यूज करोगे? आप हर बार टाइप करोगे या एक फॉर्मेट बना के रखोगे और खाली एक फॉर्मेट बना दोगे और आप कह रहे हो कि सर जैसे मान लो स्टमक पेन हो रहा है तो वहाँ स्टमक पेन लिख देंगे, फीवर हुआ है तो फीवर लिख देंगे, या इस तरह से कोई भी जो भी रीजन होगा वहां पे बस टाइप करके और उसका प्रिंट आउट निकाल के और उसको काउंटर साइन करा के और जो ओनर है उसको दे देंगे, ये करेंगे? यस सर। या बार बार टाइप करेंगे, कौन सा मेथड आपको बढ़िया लगा? फॉर्मेट बना वाला सर, फॉर्मेट बना देंगे। तो वही चीज टेलर ने बोला, देखो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए ना आपको बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आप उस मेथड का इस्तेमाल करो जो सबसे बेस्ट और परफेक्ट है, तो उस मेथड को आप यूज कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये मेथड ज्यादा बेटर है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सपोज करो मुझे अटेंडेंस लेनी है, तो मेरे पास बहुत सारे मेथड्स हैं ना, मेरे पास चार पांच मेथड हैं। एक मेथड है स्क्रीनशॉट रोल नंबर 1 से मंगवा लो, ठीक है। दूसरा मेथड है कि यहीं पे अब मैं जाऊं और जाके यहाँ पे अटेंडेंस अपनी चेक कर लूं, है कि नहीं, मतलब मैं अगर अपनी अटेंडेंस चाहूं तो मैं चेक कर सकता हूं ना कि नहीं, आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अटेंडेंस में जाके यहाँ पे चेक कर सकता हूँ ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए कौन कौन प्रेजेंट है। एक मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे जाके अटेंडेंस चेक कर सकता हूँ, देखिए 16 अटेंडीज हैं मेरे पास,
और कौन कौन से अटेंडीज हैं ये भी मैं चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक ऑप्शन मेरे पास ये है, एक मेथड ये है, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है। यस सर। ये देखिए डाउनलोड अटेंडेंस लिस्ट, अब मैं इससे डाउनलोड कर सकता हूँ और नाम देख सकता हूँ कि कौन कौन से। ये वाला तरीका ज्यादा बढ़िया है, कौन सा तरीका ज्यादा बढ़िया बताइए। ये देखिए आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, अभी अटेंडेंस हमें पता चल जाएगी, एक्सेल पे खुल गई अटेंडेंस। ये हमारे होनहार स्टूडेंट्स हैं जो अटेंड कर रहे हैं क्लास, सिर्फ ये बस। गौरी भारद्वाज, रोशिका, एक बार लेफ्ट कर दिया इन्होंने, टाइम भी आ रहा है सर इसमें तो, सर इसमें तो टाइम भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है ना। तो ये ज्यादा मेथड अच्छा है, कौन सा मेथड? सारी डिटेल आ गई तो ये मेथड ठीक है, ये वाला मेथड सही है। चलो तो फिर मैं आपके हिसाब से यही मेथड यूज कर लिया करूंगा, ठीक है। तो वही चीज टेलर ने बोला, मैं बार बार स्क्रीनशॉट मंगाने की जगह ये काम भी कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ स्क्रीन। तो ये तरीके अपनाया जा सकते हैं, ठीक है, और ये हम इसको यूज कर सकते हैं। तो कौन सा मेथड मेरे लिए अच्छा है ये मैं यूज कर सकता हूँ, बट ये तरीका मैं तभी अपना सकता हूँ जब मैं कंप्यूटर पे बैठा हूँ। अगर मान लीजिए मुझे कई बार फोन पे भी पढ़ाना होता है, जैसे कल अचानक पढ़ाते पढ़ाते लाइट चली गई, तो अब मुझे अचानक ही आपको फोन, तो मैं इस मेथड को यूज नहीं कर सकता। तो मैं अपना रिजर्व में एक स्क्रीनशॉट वाला भी ऑप्शन अवेलेबल रख सकता हूँ। तो कौन सा मेरे लिए बेस्ट मेथड है वो मुझे डिसाइड करना होगा और मैं उसके हिसाब से उस मेथड को यूज कर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा टेलर ने क्या कहा था। क्लास मेरी आवाज आ रही है बेटा? चलिए तो दो दो हमने पढ़ लिया। पहला हमने कौन सा टेक्निक पढ़ा, कौन बता रहा है मुझे, जरा देखूं कितना नाम याद रखते हो आप। सिंपलीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंपलीफिकेशन ऑफ वर्क। इसमें बता सकते हैं बेटा क्या कहा था टेलर ने? टेलर ने इसमें दो चीजों पे ध्यान दिया था। एक तो उस हाँ एक तो उसने उन्होंने ये बोला कि आप कोई भी काम को करते हो ना तो उसका एक स्टैंडर्ड सेट कर लो और आप बार बार उसी काम को उसी स्टैंडर्ड में करो, ठीक है, और काम को सिंपल बनाओ, मतलब आप काम को आसान बना दीजिए और उस आसान के हिसाब से। दूसरा तो उन्होंने बोला कि हर एक काम का ना अलग अलग मेथड होता है, आप कोई एक मेथड को यूज कर सकते हो, जो आपको लग रहा है कि सबसे बेस्ट मेथड है उसको आप यूज कीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा और आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तीसरा इन्होंने बोला मोशन स्टडी। देखिए ये भी हम लोग बहुत यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं। मोशन स्टडी में इन्होंने ये बोला कि आपको ना अननेसेसरी जो मूवमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो आदमी का हो चाहे वो मटेरियल का हो, दोनों को आपको हटाना होगा। जैसे आप देखो यहाँ पे देखिए जरा, ये देखो इसको क्या करना हो रहा है, इसको ये जो देख रहे हो ना हम, इसको इसमें भरना है डब्बे में और यहाँ पे रखना है। क्या आप कोई आसान तरीका सजेस्ट कर सकते हैं? ये देखिए ये यहाँ से उठा के इसमें रख रहे हैं, यहाँ पे कहाँ पे बीच में, हाँ, टेबल को बीच में रख लो, बहुत बढ़िया, मतलब एक मोशन स्टडी। फिर आप अननेसेसरी यहाँ से यहाँ मूव नहीं करोगे, ये कहना चाह रहे हो, टाइम की बचत होगी, ये कह रहे हो? हाँ सर यही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि देखो नीचे व्हील भी लगाया, आप इसको ड्रैग करो और नजदीक ले आओ और यहीं से खड़े होकर तीनों काम कर लो। इंस्टेड ऑफ मूविंग हियर एंड देयर यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी। अब मैंने देखो एरो से ये मार्क किया है, अब यहाँ से ये इतना दूर जाएगा, he will take unnecessary, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें। तो अगर ये टेबल को नजदीक ला देता और यहीं पे इसको ऊपर ही रख लेता तो फटाफट इसका काम हो जाता और कम समय लगता। तो टेलर ने यही बोला, टेलर ने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अननेसेसरी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपको कोशिश करना चाहिए कि जो फालतू का मूवमेंट है उसको हटा दिया जाए। जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूँ, आपने देखा होगा जब घर बनता है तो आपको ब्रिक्स मान लो पहले मंजिल पे चढ़ानी है, फिर सेकेंड फ्लोर पे चढ़ानी है, थर्ड फ्लोर पे चढ़ानी है, तो एक तरीका है कि आप लेबर को बोल दोगे कि सर पे ईंट उठा और लेके जा, चार चार पांच पांच आठ आठ ईंट, ठीक है। अब पांच पांच ईंट से ऊपर उठवाओगे तो फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर पे बेहोश होकर गिर भी सकता है। और एक तरीका यह है कि हर फ्लोर पे एक लेबर खड़ा हो जाएगा, नीचे वाला फेंकेगा, वो कैच करके तो उसको ऊपर वाले फ्लोर पे फेंक देगा और ऐसे ऐसे ब्रिक्स पहुंचा देंगे। तो कौन सा तरीका आपको बेटर लग रहा है? सेकंड तरीका, दूसरा तरीका, क्योंकि इसमें मोशन मोशन अननेसेसरी मूवमेंट नहीं हो रहा है। नहीं तो क्या होगा, एक लेबर जाएगा जाके ईंट वहां पे गिरा के और
बिना मतलब में लौट के आएगा, तो वो अननेसेसरी मूवमेंट हो जाएगा, जो लौट के आने वाला प्रोसेस है दैट विल बी अननेसेसरी, तो इसको आपको हटाना होगा। तो आपको यही बोला टेलर ने कि अननेसेसरी जो मूवमेंट होते हैं, चाहे वो आदमी का हो चाहे मटेरियल का हो, उसको आपको हटा देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे ऑर्गेनाइजेशन में एंड यू विल बी परफॉर्मिंग मच बेटर जॉब। क्लियर है यहाँ? ठीक है, एक और टेक्निक दिया टेलर ने, टाइम स्टडी। इन्होंने बोला कि कोई भी काम को करने के लिए ना आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लगता है, ठीक है, और द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द वर्क इज डिटरमाइंड। आपको पहले तय कर लेना होगा कि किसी काम को करने के लिए और उस काम को आपको किसी और को दे सकते। जैसे घर जब बनता है तो आपने देखा होगा जो ये ठेकेदार होता है, जो घर बनवाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, उसके पास अपने वर्कर्स होते हैं, मिस्त्री होते हैं। तो वो मिस्त्री को क्या बोलता है, वो मिस्त्री को पहले ही बता के चला जाता है, भाई 1000 ईंट है, इतनी दीवार तुझे जोड़ देनी है और मैं शाम को आऊंगा, अगर ये जोड़ लेना तो घर चले जाना, और नहीं तो फिर मैं पैसे पूरे नहीं दूंगा। तो वो उनको वो पहले से डिटर्मिन करके रख लेता है कि एक मजदूर मतलब एक मैशिन जो होता है मिस्त्री और दो लेबर कभी भी 1000 ईंट को जोड़ने के लिए सफिशियंट होते हैं। अगर वो सुबह 8 बजे आ जाए तो 6 बजे तक आप मान के चलिए कि वो काम को इतना करके जा सकते हैं। तो यही हमारे इंडिया में है टाइमिंग कि भाई इतना जल्दी जल्दी अगर वो चाहें तो, अगर वो जल्दी करके जाना चाहते हैं जा सकते हैं। तो उनको प्रॉपर एक टाइम स्टडी कर रखा होता है उसने, और उनको बोल देता है उसी बीच में उनको सोना है ना, खाना खाना है, जो करना है करें। अगर वो काम चोरी करेंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म दैट वर्क, एंड इफ दे आर डूइंग इट ऑनेस्टली देन दे विल बी एबल टू परफॉर्म दैट वर्क बिकॉज ही हैज ऑलरेडी टेकन अ नोट ऑन दैट। उसने पहले से देख रखा है कि हाँ इतनी देर में काम हो जाता है, तो आपको वो उतना पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि तू इतनी देर में इस काम को करके कंप्लीट करके चले जा। एम आई क्लियर? तो टाइम स्टडी समझ में आ गया? Yes, sir. Student, क्या ये हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है स्टूडेंट्स डे टू डे लाइफ में? क्या इसको हमारे ऊपर भी अप्लाई किया जाता है? कैसे? सर टाइम जैसे अभी क्लास चल रही होती है उसका टाइम पता होता है कि कब तक ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि हर एक टीचर को दे दिया गया होता है टाइम कि आपको इतनी देर इतना मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स होंगे और आपको इतने में सिलेबस ओवर करना है और इतने में आप सिलेबस ओवर कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स को भी पता होता है कि उनके लिए 1 ईयर सफिशियंट है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो कई बार कई बच्चे बहाना बनाते हैं कि सर कम टाइम मिला, हमारे पास टाइम नहीं है। इवन एग्जाम का इसका अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हो कि एग्जामिनेशन में आपको 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अटेंड करने के लिए यू गेट 3 आवर्स, ओके, एंड 15 मिनट्स फॉर रीडिंग फॉर क्वेश्चन पेपर। सो इफ समबडी टेल्स कि भाई ये काम मेरा नहीं हो सकता, लेंथी था पेपर, तो उसको कहा जाएगा कि वो सही से उसने ढंग से किया नहीं, क्योंकि उसमें भी टाइम स्टडी किया जाता है। एग्जामिनर उसको सॉल्व करके देखता है कि क्या ये 3 घंटे में पेपर सॉल्व हो जाएगा एक एवरेज स्टूडेंट से, और उसके हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनाया जाए। तो यही तरीका है, यही हमारे डेली लाइफ में होता है और हम भी इसको यूज करते हैं। एम आई क्लियर? तो कोई भी एक एक एग्जाम्पल आपको लिख देना है बोर्ड पे, नोटबुक में जरूर लिख दीजिएगा। आगे बढ़े क्या? चलिए अब नेक्स्ट है फटीग स्टडी। देखिए फटीग स्टडी में टेलर ने ये बोला कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी पर्सन से आप काम कराओगे तो वो एक समय ऐसा आता है कि उसकी हालत हो जाती है, देख रहे हो कैसी हालत हो गई है, ऐसी हालत हो जाएगी आदमी उलट के गिर जाएगा। अगर स्टूडेंट को आप रात तो दिन पढ़ाते रहोगे तो बेहोशी होगा वो। जैसे आप अगर मैं मान लो सुबह से ही 8 बजे से ही स्टार्ट कर दूं और 2 दिन लगातार पढ़ाऊं आपको बिठा के क्लास में, तो क्या आप पढ़ने की हालत में रहेंगे? ये वाली हाल हो जाएगी, सब कुछ फेंक फांक के इस पर बैठ के सो जाओगे बुक के ऊपर ही गद्दी में बना के, तो ये चीज हो जाएगी। तो फटीग स्टडी में यही बोला टेलर ने। टेलर ने बोला कि कभी भी कोई काम को अगर हम कराते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि आदमी थक जाता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि उस समय ना उसको इंटरवल दे देना चाहिए। और इसीलिए आप देखते हो स्कूल में भी जब आप 8 o'clock आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो 11 o'clock के अराउंड आप बहुत बुरी तरह से थक चुके होते हो, तो आपको जो है लंच ब्रेक दिया जाता है, आप लंच उंच करके एकदम टनाटन तैयार होके फिर वापस नहा धो के फिर आते हो क्लास में और फिर एकदम फुल एनर्जी के साथ हल्ला मचाते हो और फिर पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो फटीग स्टडी में यही है, टेलर ने यही बोला कि जब आदमी थक जाता है तो उसको एक प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए, और रेस्ट देने के बाद
देखा गया है कि आप थोड़ा सा भी उसको रेस्ट दे दोगे, चाहे या उसको लंच के थ्रू या इस तरह से आप उसको रिफ्रेश कर सकते हैं, उसके बाद जब वो आएगा तो दोबारा 100% एनर्जी के साथ आएगा और ज्यादा अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो दिस वुड हेल्प टू रिकूप द एनर्जी लॉस्ट इन कंटिन्यूस वर्क, तो कंटिन्यू काम करने में आपको मदद मिलेगी। मल्टीनेशनल कंपनीज इस टेक्निक को यूज करती हैं, हमारे डेली लाइफ में भी यूज होता है। खाली एग्जाम को छोड़ दो, तो एग्जाम में कोई नहीं बोलता कि फटीग स्टडी है, 1 घंटे का रेस्ट ले लो 2 घंटे के पेपर देने के बाद, आपको यही बोला जाएगा आप 3 घंटे कंटिन्यू पेपर दो बस तभी आपको उठना है। लेकिन 3 घंटा हम सफिशियंट होता है, हम कर सकते, लेकिन अगर यही 10 घंटे होता तो हमारे बस की नहीं थी, हम नहीं कर पाते, थक जाते। तो ये चीज आ गया समझ में, कितने प्रिंसिपल्स हमने, कितने टेक्निक्स पढ़ लिए, 5। मैं चाहूंगा कि एक बच्चा मुझे सारे टेक्निक्स के नाम खाली गिना दे बस, कौन बताने वाला है क्लास, हु इज गोइंग टू स्पीक। हाँ जी बोलिए सर, मैं बताऊं शुभम। शुभम हाँ बेटा बताओ। सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, अच्छा, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, ठीक है, और सर एक वो फटीग स्टडी। फटीग स्टडी कितने हो गए? 5 हो गए। 5 हो गए, ठीक है। तो एक बार मैं सब बच्चों को फिर से दिखा दूं, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क था एक, दूसरा था बेटा हमारा मेथड स्टडी जिसमें हमने बेस्ट मेथड को चुनना होता है, तीसरा हमने पढ़ा मोशन स्टडी जिसमें अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करना होता है। तो हम जैसे एक बच्चे ने सजेस्ट किया था कि सर ये टेबल को ड्रैग करके यहीं ना रख लो, तो अननेसेसरी मूवमेंट नहीं होगा। और मैंने एक एग्जाम्पल दिया था वो बिल्डिंग बनाने वाला, ब्रिक्स को ऊपर चढ़ाने वाला, तो आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये कोई भी एग्जाम्पल एक बढ़िया सा अपना ढूंढ के अच्छा से लिखते हो। फिर टाइम स्टडी, इसमें टाइम स्टडी में क्या कहा गया है कि एक प्रॉपर टेलर ने ये कहा था कि आप टाइम की स्टडी कर लीजिए और अप्रोप्रिएट टाइम दीजिए किसी भी काम को करने के लिए, तो ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। और फिर हमने लास्ट में पढ़ा फटीग स्टडी जिसमें हमने पढ़ा कि कोई भी इंडिविजुअल जब काम करता है तो एक समय ऐसा आता है जब वो थक के चकना चूर हो जाता है, तो उसके बाद इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए जिसके अंदर उसको इंटरवल्स दे दो, उसको बीच में आराम दे दो, उसको बोल दो भाई लंच ब्रेक हो गया जाओ खाना वाना खा लो 20 मिनट के अंदर फटाफट पानी वानी पी के, जब तक थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा बच्चा। मान लो स्कूल में हमारे साथ तो यही अप्लाई होता है, यू गेट 20 मिनट्स फॉर दैट, यू हैव टू ईट ड्रिंक एंड डू एवरीथिंग, और फिर आपको क्लास में आना होता है उसी 20 मिनट में। तो आपको इस तरह से आपको थकावट आपकी दूर हो जाती है और फ्लाइंग कलर्स के साथ एकदम हल्ला मचाना शुरू कर देते हो, तो मतलब इससे पता चलता है एनर्जी आ गई है वहाँ, ठीक है। तो इतना ही आज हम करेंगे, अगली क्लास में हम लोग 6th टेक्निक पढ़ेंगे, डिफरेंशियल पीस वेज, फिर फंक्शनल फॉरमैनशिप पढ़ेंगे, इसमें 8 स्पेशलिस्ट की बात करेंगे और इसमें सारे स्पेशलिस्ट हम लोग 1 by 1 विल डिस्कस। तो अगली क्लास में हमारी टेक्निक्स भी कंप्लीट हो जाएगी, फॉर द टाइम बिंग आपको ये 5 टेक्निक्स कर लेने हैं, ठीक है। और मैं समझता हूँ इतना करने के बाद आपको, और जो स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं ना उनकी देख ही लिया, लाइव अटेंडेंस हम लेने को हम ले रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए डैमेज कर रही है। तो जो स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं अगली क्लास में जरूर अटेंड करें, अदरवाइज यू आर गोइंग टू फेस अ प्रॉब्लम।